हाँ तो हाँ जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल अलग का तबला क्लास में। दोस्तों आप मेरे साइड में एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं। हाँ, ये सर्टिफिकेट मुझे YouTube से मिला है। ये आप सबका भरोसा है कि आपने हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। हाँ, अभी ये वीडियो अब अपलोड हो रहा है तब ये 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो लेकिन मुझे आपको दिखाना मेरा फर्ज था कि आप लोगों ने हमें अच्छा सपोर्ट किया है और ये सपोर्ट आगे चल के और भी बढ़ेगा, इसे मैं आशा करता हूँ। क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि रसिक श्रोता ही एक कलाकार की पहचान होते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किशोर कुमार जी के सॉन्ग अब हम ले रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट सॉन्ग हमने देखा था, वो सॉन्ग का आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा। मैंने सारे ठेके यानी कि जो शुरुआत में होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जो बेसिक ठेका है, जो उस सॉन्ग का इंट्रो है, वो मैंने बताया था। आज हम उसके आगे वाला जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ आता है उसके लिए कौन से बोल बचते हैं, क्योंकि सेम बोल तो नहीं बचते हैं, उसके लिए कौन से बोल बचते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पे आए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वो बोल क्या है बिना टाइम गवाए देखते हैं। सबसे पहले मैं बजा के दिखाता हूँ, आप सुनिएगा। धाता ती ताता धिन धिन, धाता ती ताता धिन धिन। ओके, धाता ती ताता धिन धिन, ये उस सॉन्ग के फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट बोल। ओके, धाता ती ताता धिन धिन। ओके, इजी है, इसमें कुछ नया बोल नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको संभाल के बजाना है, ताकत से नहीं बजाना है। देखिए, क्योंकि कुछ लोग आप ऐसे बजाओगे ये बहुत कान को छुबेगा और वो सॉन्ग को पैरेलल भी नहीं होगा, तो उसके आपको आराम से धाता ती, ये जो ती है आपको नहीं ऐसे नहीं बजाना है, ती आपको एकदम साइलेंट। आप ये गाना भी सुनोगे तो आपको ये ती कई दफा सुनाई भी नहीं देगा, तो वो ती फिलहाल हमें बजाना है क्योंकि हमें ये ठेका बिठाना है। ठीक है, धाता ती ताता धिन धिन। ठीक है, धाता ती ताता धिन धिन, धाता ती ताता धिन धिन। फिर से एक बार, धाता ती ताता धिन धिन। ओके, अभी देखते हैं उसको किस तरह से बजता है। धाता ती ताता धिन धिन। अब आपको क्या करना है, धाता में आपको डग्गे को थोड़ा सा घिसकाम, या फिर हम इसको घिसकाम ही बोलते हैं, इसको थोड़ा सा आपको घिसना है। ओके, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं, देखिए। इससे बजाने से क्या होगा, आपके बजाने में एक नया एक टेक्निक दिखेगा और साथ ही साथ एक अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस होगा। देखिए, धाता ती ताता धिन 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 में भी आपने थोड़ा सा ये घिसकाम किया तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको धाता के ऊपर ये करना है। उससे पहले भी क्या करना है, आपको ये बोल पहले अच्छे से बिठाना है। ठीक है, धाता ती ताता धिन धिन, धाता ती ताता धिन धिन। अभी इसमें गाने के बोल कैसे बैठेंगे वो अब हम देखते हैं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। इसके बाद वाली भी जो दो लाइन है इसमें भी यही ठेका बजा है। ठीक है, धाता ती ताता धिन धिन, धाता ती ताता धिन धिन। अभी ये दो लाइन आपको सुननी है, सुनने के बाद उसके ऊपर ये ठेका बिठाना है, और बिठाने के बाद आपको इसके
साथ बजाना है, धाता की ताता दिन दिन। ये सेकंड पार्ट है। अभी आप बोलेंगे अरे सर कितने पार्ट बनाओगे, मुझे और मेरा ऐसा मानना है क्योंकि अगर मैं एक एपिसोड में भी सब दिखा सकता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मैं दिखा नहीं सकता, मैं सब एपिसोड में सब दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है फर्स्ट लाइन आपने बिठाई, कई लोगों की बैठी होगी नहीं बैठी होगी, आप बिठाओ उसको सुनो, उसके बाद सेकंड वीक में आपको ये फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट पैराग्राफ की है, दो लाइन में ये बजता है ठेका, ये इसी गाने में बजता है, ऐसे नहीं, बहुत सारे गानों में ये बजता है, ये बिठाओ। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें जो एंड होता है पैराग्राफ का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन से बोल बजते हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, जरूर इसका पढ़ाई करिए, इसको सुनिए, इसके ऊपर अभ्यास करिए कि धाता ती ताता धिन धिन, ये बोल सबसे पहले आपके दिमाग में बैठाइए, उसको बोलिए और फिर आप इसके ऊपर आपके तबले के ऊपर इसको बजाइए। मैं आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।